ऑल ऑफ यू यू हैव 3 मिनट। हार्दिक दुबे हैव टुडेज ओल्ड टेस्ट, सो यू हैव टू रिवाइज चैप्टर नंबर 3। डोंट वेस्ट योर टाइम। ईशान बेटा आपको कोई मैसेज नहीं है वर्कशीट का, आपने बस ये क्वेश्चन ये पूछा है कि पोर्टल पे वर्कशीट कैसे अपलोड करनी है, लेकिन आपने वर्कशीट अपलोड नहीं की है। आई शो यू विकास ईशान, ईशान दिखाई दे रहा है बेटा आपको? जब आप पोर्टल पे यहाँ मैसेज क्वेरीज अपनी पूछते हैं और आपको कोई फाइल अपलोड करनी है तो आप यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हो। देखिए चूज फाइल ये ऑप्शन है यहाँ, इस पे क्लिक करेंगे वर्कशीट आप अपलोड करेंगे और जो भी क्वेश्चन पूछना होगा आप क्वेरीज में यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इधर आप चूज फाइल में इधर इसमें लिखा है देखो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इधर आप क्लिक करेंगे बट इधर आप फाइल आप हमें सेंड करेंगे तब मैं आपको जवाब दे पाऊंगा बेटा। जब आप वर्कशीट अपलोड करके मुझे सेंड करेंगे तभी तो मैं आपको जवाब दे पाऊंगा बेटा। ओके 1 मिनट इज लेफ्ट। अविशी मेहता वे आर यू बेटा, पीहू जैन, आयुष्मान गुप्ता, हार्दिक दुबे ओपन योर वीडियो। हु इज गैलेक्सी J7 J2 Pro, व्हाट्स योर नेम? Galaxy J2 Pro, what is your name? Yes, only 3 chapters Ayushi. Ishan, I'm trying to unmute you. Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. मैंने ना कल ईशान का टेस्ट जो आप वर्कशीट आपको भेजनी थी वो हमने जो आपने बताया ऐसे ही आपको कल भेजी थी इनकी, तो आपको मिली नहीं मिल रहा है? यस सर, मैंने भी आपको शो किया ना सर, मेरे पास वर्कशीट आई नहीं सर वो। हाँ लेकिन हमने कल ऐसे भेजा था आपको, हमने फोटो खींच के मोबाइल से और सेंड ऑप्शन में जाकर इसमें चूज फाइल पे दो दो इनकी सीट थी दोनों अटैच की थी और हमारे पास सेंड नहीं दिखा रहा था। तो सेंड सक्सेसफुल शो कर रहा था सर आपको? हाँ सेंड सक्सेसफुल कर रहा था उसमें। सर मेरे पास देखिए मैं आपको लाइव भी दिखा सकता हूँ, मेरे पास फाइल ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास आप कर रहे हैं लेकिन तो दोबारा भेजू मतलब क्या करूँ, नहीं दोबारा भेजनी पड़ेगी।
हाँ सर, आप दोबारा सेंड कर सकते हैं, नहीं तो फिर वर्कशीट में कौन सा क्वेश्चन है, किस चैप्टर की वर्कशीट है, आप यहाँ टाइप करके भेज दीजिए, मैं चेक करता हूँ। बताओ टेस्ट पेपर था ना आपका, क्या भेजा था आपने कल? सर मैं आज एक बार ट्राई करता हूँ, उन्होंने कल वर्कशीट के टैग वो भेजे थे फोटो। कौन सी वर्कशीट बेटा, कौन सी चैप्टर? चैप्टर फाइव के बता रहा है। तो ट्राई कीजिएगा कि आप जो फोटो क्लिक करते हो, जो इमेज होती है, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके सेंड करना। अच्छा पीडीएफ में, हाँ पीडीएफ में कन्वर्ट सेंड करेंगे तो शायद कन्वीनियंट होगा आपके लिए भेजना सर। ठीक है ठीक है, मैं आज ये करता हूँ। ठीक है सर, ओके थैंक यू। ओके ऑल ऑफ यू क्लोज योर बुक। नो शुभी, इफ यू हैव एनी क्वेरीज आप पोर्टल पर पूछिए बेटा। ओके क्लोज योर बुक और शो मी योर बुक। आप लोगों ने बुक क्लोज की है लाइक दिस, शो कीजिए। अनंत बुक बंद करने, उल्टी बुक शो कर रहे हो आप। ओके 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 ऑल ऑफ यू। कार्तिक मदन वेयर आर यू बेटा, आप कहाँ फोन किस तरह से रखते हैं डेली, आप कुछ पता नहीं चलता बेटा आपका। ओके ओके अनंत मैंने देख लिया बेटा। गैलेक्सी जे टू प्रो मैं लास्ट बार पूछा बेटा, अपना नाम बताइए। अगर मुझे क्वेश्चन पूछना होगा तो मैं ऐसे थोड़ा पूछूंगा बेटा, गैलेक्सी जे टू प्रो कौन है। Yes, sir. आयुषी गर। Yes, sir. आयुषी योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लॉन्ग विंटर स्लीप कॉल्ड? हाइबरनेशन। कैन यू स्पेल आउट? Yes, sir. HIBERATION। HIBERNA हाइबरनेशन है, हाइबरनेशन है, इसमें एन भी आना है। ओके वेरी गुड। शुभी मिश्रा, शुभी आर यू एबल टू लिसन मी? यस सर। Your question is summer sleep to fight heat and food store are called? Sir, can you speak it again? Summer sleep to fight heat and food shortage are called? सर एक्चुअली मैं मेरे मेरा मम्मा का नंबर स्कूल वाले के पास है नहीं, इसलिए मेरी वर्कशीट नहीं आई है। बच्चों जो भी क्वेरीज पूछनी है मैंने आप लोगों से बोला है, या तो चैटिंग में पूछिए या फिर स्कूल जाके कंफर्म कीजिए। सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, आप आंसर मुझे सेंड करेंगे ठीक है बेटा। जो भी क्वेरीज है आप स्कूल में जाके कन्फर्म कीजिएगा। ओके और वर्कशीट नहीं आई है, वर्कशीट सब पोर्टल पे अपलोडेड है, जिसको नहीं मिली है वो भी वर्कशीट वो पोर्टल पे डाउनलोड कर सकता है पोर्टल से। ओके अगर नंबर का कोई भी इशू है आप लोगों के नंबर का, तो आप लोग स्कूल में जाकर उसको ठीक करवा सकते हैं। अनंत अग्रवाल, अनंत अग्रवाल आर यू एबल टू लिसन मी?
अनंत अग्रवाल, योर वॉइस इज नॉट कमिंग बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनंत अग्रवाल, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। अनंत गुप्ता, आर यू एबल टू लिसन मी? यस सर। नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एन एनिमल आर कॉल्ड डैश। सर एडेप्टेशन। सर एडेप्टेशन है। नो, वेरी गुड ईशान, वेरी गुड मानवी। बेटा हैबिटेट। ओके यस सर। ओके नाउ नेक्स्ट इज अर्णव सूर्यवंशी। Now, are you able to listen me? Yes, sir. Okay, Michael Jackson ji. Your question is, animals living on land are called dash. जो land पर रहते हैं। Animals living on land, जो land पर रहते हैं। Very good, Shreya. Very good, Ishan. Very good, Manvi. Arnav Harjiya, beta aur bachche bhi hai. Yash Bansal, very good. Ashish bhi very good. Shakshi Singh, very good, beta. Sir, hame nahi maloom. Aapko nahi pata maloom. The animals that live on land are called terrestrial animals. Okay? Kya bolte hai unko? Terrestrial animal. Okay? आयुष्मान गोयल, आयुष्मान गोयल, आर यू एबल टू लिसन मी? आयुष्मान गोयल, बेटा आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? यस सर। बेटा बोलिए ना फिर। सर आवाज ना आ रही है। ओके आयुष्मान, आपका क्वेश्चन है, एनिमल ईटिंग बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल आर कॉल्ड डैश। वेरी गुड। आवाज कट के आ रही है। मुझे आपकी आवाज प्रॉपर बिल्कुल क्लियर आ रही है। आंसर आता है, फटाफट आंसर दीजिए। रहने दीजिए बेटा, आपको आंसर नहीं आता। ओके दीपान शर्मा, आर यू एबल टू लिसन मी? दीपान शर्मा, दीपांश, आर यू एबल टू लिसन मी बेटा? दीपांश, दीपांश हेडफोन पहन के बैठे हो लेकिन आवाज नहीं आ रही है आपके पास, तो आप सुन क्या रहे हो बेटा फिर?
दिया गर्ग ऑन कीजिए अपने आप को। भावेश कुमार आर यू एबल टू लिसन मी? भावेश कुमार भावेश बेटा आवाज आ रही है आपके पास? भावेश आपने अपना माइक ऑफ कर दिया, अभी मैंने जस्ट आपको ऑन किया था। क्या करते हो बच्चों जब वैसे बड़े आपको पता है नेटवर्क इश्यू इतना होता है, बड़े मुश्किल से आप लोग ऑन होते हो और आप तुरंत अपना माइक बंद कर देते हैं आप लोग। ओके तो फिर मैं क्वेश्चन ऐसे ही पूछता हूँ आप लोगों को। Animals that no longer exists are called dash. Animals that no longer exists are called dash. Very good, Shreya. Very good, Hardik. Wrong answer, beta. Yes, Bansal. Correct answer. Manvi, wrong answer. ईशान रॉन्ग आंसर, अंशिका स्पेलिंग इज रॉन्ग, अनन्या स्पेलिंग इज रॉन्ग। अनंत करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल इज कॉल्ड डैश। द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल इज कॉल्ड डैश। वेरी गुड मानवी, वेरी गुड श्रेया। भावेश कुमार आप क्लास में किस लिए बेटा, सिर्फ देखने के लिए? अनंत अग्रवाल आपका भी आंसर नहीं आ रहे हैं। कृधा, दीपांश आप लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं बेटा। मानस प्रताप, खुशी दिनोरिया, अंशिका अग्रवाल, दिया गर्ग, क्यों है आप लोग क्लास में बच्चों? क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, आप लोगों के आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं बच्चों। टाइप कीजिए आंसर्स को। द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल इज कॉल्ड माइग्रेशन। वेरी गुड। द एनिमल इन हूज बॉडी parasites live is called dash. The animal in whose body parasites live is called. Yes, Bansal, correct answer. Sakshi, मैंने उस animal का नाम नहीं पूछा। Hardik, correct answer. Manvi, wrong answer. Anshika Agarwal, correct answer. Ayushigar, correct answer. Manvi Jain, correct answer. Now, अब answer correct है आपका। उसको बोलते हैं होस्ट। कार्तिक मदन, व्हाट आर यू डूइंग? ओके आयुष्मान, करेक्ट आंसर। ओके अब कोई बच्चा जो आंसर नहीं देगा, टू और थ्री टाइम्स में उसे वॉच करूंगा, उसके बाद में उसे क्लास से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि वो बच्चा सिर्फ क्लास में बैठा हुआ है, वो आंसर दे नहीं रहा है। तो फिर क्लास में एंटर होने का फायदा क्या बच्चों? अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया था। आप लोग क्लास में एंटर हो गए या सिर्फ चुपचाप बैठे हुए हैं? बस क्लास में एंटर होकर सिर्फ बैठे हुए, आप कुछ नहीं कर रहे हो, ना आंसर दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हो। अनंत अग्रवाल आप बेटा म्यूट हो तो बोलने की कोशिश करेंगे, आवाज मेरे पास नहीं आएगी। ऑल ऑफ सब म्यूट है बेटा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कैमल हैज फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट स्टोर्ड इन दिस पार्ट of its body
कॉल डैश. वेरी गुड मानवी, वेरी गुड श्रेया. यश बंसल स्पेलिंग रॉन्ग है, अंशिका स्पेलिंग रॉन्ग है, कृधा स्पेलिंग रॉन्ग है बेटा. इसका रॉन्ग आंसर है आपका वैसे. दीपांश रॉन्ग आंसर. अनंत सिर्फ स्पेलिंग लिखिए बस. खुशी चौहान नॉट बैग. अनंत अग्रवाल रॉन्ग आंसर. खुशी दुनरिया करेक्ट आंसर. ईशान करेक्ट आंसर. इट्स कॉल हम. आपने देखा ना ऊंट होता है, ऊंट के पीछे ऊपर ऊपर से उठा हुआ होता है, उसको बोलते हैं हम बोलते हैं, जिसमें वो अपना खाना स्टोर करके रखता है और कई दिनों तक बिना खाए वो रह सकता है. वेरी गुड ऑल ऑफ यू. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग समर स्लीप आर कॉल्ड डैश. समर स्लीप आर कॉल्ड डैश. वेरी गुड मानवी, वेरी गुड श्रेया, वेरी गुड अनंत. अनंत मैंने समर स्लीप पूछा है अनंत अग्रवाल, विंटर स्लीप नहीं पूछा बेटा. आश्वी वेरी गुड. यश बंसल वेरी गुड. खुशी चौहान इट्स समर स्लीप नॉट विंटर स्लीप. इशु वेरी गुड. अनंत वेरी गुड. ओके अनंत अब आंसर आपका करेक्ट आया है. अनंत गुप्ता वेरी गुड बेटा. साक्षी सिंह वेरी गुड. ओके The animals that live in water are called. Very good Shakshi. Very good Shreya Gupta. Shreya Chaudhary. Very good Khushi. Very good Dipansh. Kridha. Very good Ishu. Khushi Chauhan. Animals कौन सा? कौन से animals बोलते हैं उन्हें? Yash Bansal. Very good. Ananya. एनिमल दैट लिव इन वॉटर. मैंने इन वॉटर एंड ऑन लैंड दोनों नहीं पूछा है आपसे. खुशी चौहान वेरी गुड. ओके वैष्णवी, वैष्णवी का भी आंसर आया. वेरी गुड. एनिमल दैट लिव इन वॉटर एक्वाटिक एनिमल. ओके एंड द एनिमल दैट लिव इन वॉटर एंड ऑन लैंड ऑल्सो उन्हें क्या बोलेंगे? एनिमल दैट लिव In water and on land also. Very good Manvi. Very good Khushi. Ananya very good. Vaishnavi very good. Ishu very good. Yash Bansal. Arnav Shurvanshi very good beta. Pihu very good. Okay now all of you are doing very good. अब आप लोग अच्छे से आंसर दे रहे हो, ये अच्छी बात है. आप सब लोग आंसर दो तो पता चलता है कि हाँ आप लोग क्लास में ध्यान दे रहे हो. वेरी गुड डिनोरिया जी. ओके द एनिमल दैट लिव मोस्ट ऑफ ऑन ट्रीज. द एनिमल दैट लिव मोस्ट ऑफ ऑन ट्रीज आर कॉल्ड. अंशिका मैंने एनिमल का नाम नहीं पूछा, उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं? यस बंसल स्पेलिंग इज रॉन्ग. दीपांश शर्मा रॉन्ग आंसर दिया. अगर ठीक है बेटा करेक्ट आंसर दिया. दनोरिया जी करेक्ट आंसर. इशू करेक्ट है बेटा. मानवी करेक्ट आंसर. साक्षी एनिमल्स विच काइंड ऑफ एनिमल बेटा? हार्दिक पांडे जी आपके आंसर नहीं आ रहे बेटा. The animal that mostly live on tree are called arboreal animal. Okay. Next question, the creature that spend lot of time in air are called. The creature that spend lot of time in the air are called dash animal. Very good Khushi Dhanoria. Very good Gadgiagar.
मानवी स्पेलिंग चेक कीजिए। अनंत अग्रवाल करेक्ट आंसर बेटा। शुभी मिश्रा करेक्ट आंसर। वैष्णवी करेक्ट आंसर। अनंत गुप्ता बेटा बर्ड्स नहीं आगे उस काइंड ऑफ एनिमल्स को क्या बोलते हैं। कार्तिक मदन को आंसर नहीं आता सिर्फ इमोजी भेज रहे हैं सिर्फ बर्ड्स की। कार्तिक बेटा एग्जाम में आप बर्ड्स बना के आएंगे बेटा या स्पेलिंग लिखेंगे कि उसको बोलते क्या हैं। ओके द एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट या प्लांट ईटर एनिमल आर कॉल्ड डैश। प्लांट ईटिंग एनिमल आर कॉल्ड डैश। वेरी गुड चौधरी साहब। गुप्ता जी वेरी गुड। गर्ग जी वेरी गुड। विश्वा जी वेरी गुड। अग्रवाल वेरी गुड। शर्मा जी वेरी गुड। जैन साहब वेरी गुड। सूर्यवंशी जी। सूर्यवंशी जी मैंने उस काइंड ऑफ एनिमल्स को पूछा है एनिमल का नाम नहीं पूछा मैंने बेटा। दिनोरिया जी वेरी गुड। कृधा रॉन्ग आंसर। कृधा रॉन्ग आंसर। कृधा लिसन क्वेश्चन प्रॉपरली बेटा। प्लांट ईटिंग एनिमल। दीपांश शीट प्रॉपरली। ओके द एनिमल दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। एनिमल दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। वेरी गुड अनंत अग्रवाल। इशू वेरी गुड। हार्दिक आपका आंसर करेक्ट मान सकते हैं करेक्ट हो सकता है। आश्वी ये भी करेक्ट बोल सकते हैं वैसे। श्रेया करेक्ट बोल सकते हैं। दीपांश शर्मा करेक्ट आंसर। ओके अनंत सिर्फ स्पेलिंग ही काफी है बेटा। अनंत गुप्ता ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्कंक रिलीज डैश टू रिपेल इट्स एनिमीज। स्कंक एक एनिमल टाइप का होता है जो गिलहरी जैसा दिखता है लेकिन वो बहुत बड़ा होता है। वो गिलहरी बहुत छोटी होती है बहुत बड़ा होता है। रिलीज डैश वो एक ऐसी चीज छोड़ता है। वेरी गुड मानवी जो उसके एनिमल्स जो एनिमीज होते हैं उसके आसपास नहीं जाते दुश्मन उसके आसपास जाते नहीं है। वेरी गुड इशू। अच्छा दीपांश वो आग छोड़ता है वो ड्रैगन होगा ना। दिया गट नॉट अ परफेक्ट आंसर। आयुषीष नॉट अ परफेक्ट आंसर। वेरी गुड यस बंसल। यस अनंत अग्रवाल करेक्ट आंसर। अनन्या अग्रवाल रॉन्ग आंसर। खुशी चौहान कर रॉन्ग आंसर। खुशी दिनोरिया करेक्ट आंसर। आयुषी गर्ग रॉन्ग आंसर बेटा। अंशिका अग्रवाल रॉन्ग आंसर। तमन्ना सिंह रॉन्ग आंसर। आयुष्मान गर्ग रॉन्ग आंसर। वो एक बैड ऑर्डर यानी एक बहुत गंदी बदबू छोड़ता है। साक्षी इसका मतलब ये है कि एक स्कंक एक एनिमल होता है जो जब उसको देख जब उसको लगता है कि उसके आसपास बहुत खतरा है उसको लगता है कि हाँ मुझे बहुत खतरा है तो अपने आसपास से गंदी स्मेल छोड़ता है कि कोई भी उसके आसपास जाने से डरता है। स्मेल छोड़ते वो नाक बंद करके भागा है कितनी गंदी स्मेल है तो वहां से चला जाएगा छी। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो स्मेल छोड़ता है। जैसे मैंने कल आपको कैमोफ्लेज बताया था कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने आसपास को आसपास के वातावरण में एनवायरमेंट में ऐसे अपने आप को छुपा लेते हैं कि हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो हर एनिमल्स की अलग अलग एबिलिटी होती है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कैमोफ्लेज नहीं हो पाते हैं तो कैसे अपने आप को बचाएंगे। कुछ एनिमल ताकतवर होते हैं तो लड़ाई से बचा लेते हैं और कुछ जो कमजोर होते हैं वो उनके पास अलग अलग एबिलिटी होती है अपने आप को बचाने के लिए। किनसे बचाने के लिए? एनिमीज से। जानवरों के भी तो दुश्मन होते हैं। जानवर दुश्मन इंसान भी होते हैं। वो उनका हंटिंग करते हैं शिकार करते हैं उनका। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉर्क्यूपाइन हैज डैश फ्रॉम प्रोटेक्शन। कल आपको इमेज भी बताया था पॉर्क्यूपाइन के पास क्या होते हैं
अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, पॉर्क्यूपाइन एक एनिमल होता है। वेरी गुड अनंत अग्रवाल, ईशान वेरी गुड, मानवी वेरी गुड। मानवी स्पेलिंग चेक करना बेटा, एक एल खा गए आप। दीपान शर्मा ऐसी लिख रहा हूं हिंदी में, ठीक है। बिहू सुई सुई धागा होता है उनके पास, निडल नहीं होता वो। इशू करेक्ट आंसर बेटा। सांभवी हिंदी में आंसर नहीं लिखना, मुझे आपका आंसर करेक्ट है लेकिन यू हैव टू टाइप इन इंग्लिश। हिंदी में आंसर देंगे आप क्लास में। अ पॉर्क्यूपाइन हैज डैश फॉर प्रोटेक्शन। वेरी गुड तमन्ना। तमन्ना तुमसे नहीं, छोड़ो आगे चलते हैं। अब जो बी सेक्शन के बच्चे हैं उनको तो पता चल गया होगा सर क्या कहने वाले थे, ए सेक्शन के बच्चों को पता नहीं चला होगा सर क्या कहने वाले थे। ओके, सम एनिमल, लिसन बच्चों के केयरफुली, सम एनिमल मे डिसअपीयर फ्रॉम द अर्थ ऑल टुगेदर इफ वी डू नॉट टू प्रोटेक्ट देम। Such animals are called dash animals. Some animals may disappear from the earth altogether if we do not to protect them. Such animals are called. Okay. जिन्होंने भी आंसर दिए फिलहाल सबका करेक्ट है। किधर तुम्हारा भी करेक्ट है। सांभवी मिश्रा मैंने एनिमल्स का नाम नहीं पूछा है, वो भी फिर भी आंसर गलत है। मैंने उस एनिमल्स को क्या बोले हैं जो धरती से खत्म होने वाले हैं धीरे धीरे। कार्तिक मदन मैंने एनिमल का नाम नहीं पूछा, मैंने ये नहीं पूछा नेम द एनिमल। ओके, ऐसा नहीं बोला मैंने। सूर्यवंशी जी स्पेलिंग गलत है लेकिन आप जो आंसर बोलना चाह रहे थे वो सही है। वेरी गुड तमन्ना, वेरी गुड अनंत। आंसर इज एंडेंजर्ड एनिमल। आप फॉर एग्जाम्पल करके पांडा बता सकते थे। ओके कार्तिक, फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक पांडा है, टाइगर, राइनो, घड़ियाल। ओके, कोई बता सकता है घड़ियाल कैसा दिखता है? जैसे क्रोकोडाइल दिखता है ना वैसे घड़ियाल, बस घड़ियाल का आगे का मुंह थोड़ा बड़ा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं। क्या पूछे? वुली मेमथ इज अ एक्सटिंक्ट एनिमल और एंडेंजर्ड एनिमल। चैप्टर 4 का बेटा कल टेस्ट लूंगा मैं। Tomorrow will be revision test. Okay. Listen.